है आपका अपने YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम लोग कक्षा 9 के गणित के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के बारे में जाना था, संख्या पद्धति के बारे में जाना था और संख्या पद्धति में परिमेय संख्याओं के बारे में जाना था। आज हम लोग परिमेय संख्याओं के बीच स्थित परिमेय संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्याओं के जोड़ के बारे में, परिमेय संख्याओं के घटाव के बारे में और उनके अन्य गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं पाई जाती हैं, तो अगर कोई हमें दो परिमेय संख्याएं दी हैं और उनके बीच अन्य परिमेय संख्याओं को निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे एक उदाहरण की सहायता से हम इसे सीखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या हमें दे रखी है। परिमेय संख्या एक बार फिर से थोड़ा सा मेमोराइज करें। हम लोग क्लास 9th के मैथ का अध्ययन कर रहे हैं। क्लास 9th के मैथ में पहला चैप्टर हम लोगों की संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति के बारे में हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में जाना था कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं और ये है क्या, इसके कितने कुल भाग वाग हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जान रखी थी। अब आज हम परिमेय संख्या जाने, तो परिमेय संख्या के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में जाना था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक बार रिमेम्बराइज कर ले। तो हम कहते हैं वह संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके और क्यू बराबर जीरो ना हो। यहाँ पे जो पी होता है वह हमारा अंश होता है और जो क्यू होता है वह हमारा हर होता है। तो यह भी कह सकते हैं कि वह संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके और हर के जगह पे जीरो ना हो। अगर मान लीजिए हर के जगह पे जीरो हो जा रहा है, यदि क्यू इज इक्वल टू आपका जीरो हो जाए तब आपका क्या होगा, देन पी बाई जीरो, और ये पी बाई जीरो हमारा क्या हो जाएगा, अनंत। इसका मतलब ये कह रहा है कि जीरो से पी को भाग दीजिए। अब जब भी आप जीरो से पी को भाग देंगे तो यह कटने वाला नहीं है, मीन्स चाहे जितने बार तक आप भाग देते चले जाए डॉट डॉट डॉट, यह कटने वाला नहीं है। लास्ट में फिर हमें पी ही मिल जाएगा, फिर पी ही मिल जाएगा, फिर पी ही मिल जाएगा। तो जितनी बार भी हम भाग देंगे या कटने वाला नहीं है, तो हम कह देते हैं अनंत बार तक। मीन्स यह हमारा क्या है, अपरिभाषित है। यह हमारा क्या है, अपरिभाषित है। तो आप जब पढ़ेंगे तो एक गणितज्ञ के बारे में बताया जाता है कि वह बहुत छोटी कक्षा में थे और उन्हें अध्यापक बता रहे थे कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग दो तो भाग देने पर भागफल हमेशा एक आता है। जैसे हम ले लें दो को दो से भाग दें तो भागफल एक, तीन को तीन से भाग दें तो भागफल एक, पांच को पांच से भाग दें तो भागफल एक। तो उन्हें बताया जा रहा था बहुत छोटी ही कक्षाओं में, मीन्स 3-4 में, तो कहा गया कि किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल क्या मिलता है, एक मिलता है। तो वह गणितज्ञ उसी कक्षा में, मीन्स तीसरी चौथी की कक्षा में थे, तब उन्होंने कहा क्या सर ये जीरो पे भी लागू होता है, अगर जीरो को जीरो से भाग दिया जाए तो भागफल एक नहीं आता है, तो यह जीरो पे लागू नहीं होता है। वह गणितज्ञ का नाम आप बताएंगे हमें कि वो कौन से गणितज्ञ थे जिन्होंने छोटी ही कक्षाओं में बताया था कि क्या जीरो को जीरो से भाग देने पर भागफल एक आता है। तो आप जानते हैं कि जीरो को जीरो से भाग देने पर भागफल हमारा क्या, अनंत आता है। तो किसी भी संख्या को अगर जीरो से भाग दिया जाए तो भागफल हमारा क्या आता है, अनंत आता है, अपरिभाषित आता है। तो गणित कभी हमारा कंट्राडिक्शन वाली बात नहीं करता, इसमें कोई विरोधाभास वाली बात नहीं होती। इसलिए जब इसने परिभाषा दिया तो परिभाषा में ही बता दिया कि वही संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी हो और क्यू के जगह पे जीरो ना हो। आप कहेंगे कि जीरो भी एक संख्या है, तो क्यू के जगह जीरो रख दिया जाए तो क्या, या जो आपकी कह दे कि कोई भी पूर्णांक संख्या रख दे तो क्यू के जगह पर अगर जीरो रख दे तो क्या यह परिमेय संख्या होगी, नहीं तब वह ना परिमेय संख्या होगी ना अपरिमेय संख्या होगी, वह हमारी क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। तो अब हम जाने कि परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच की एक परिमेय संख्या निकालना है तब हम आसानी से निकाल लेते हैं। मान लीजिए हमसे कह दिया जाए कि 3 और 4 के बीच की एक परिमेय संख्या बताओ, 3 और 4 के बीच की एक परिमेय संख्या,
एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। हमें सवाल में ये दे रखा है कि तीन और चार के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो तीन भी हमारी परिमेय संख्या और चार भी परिमेय संख्या है, काहे इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी तीन बटे एक, और किस रूप में इसे लिख सकते हैं, चार बटे एक के रूप में। तो हम कहते हैं कि किसी भी परिमेय संख्याओं के या दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं पाई जाती हैं, तो तीन और चार के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं। अब हमें एक ही निकालना है, तो एक परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इनमें से किसी एक को एक्स और दूसरे को वाई मान लेते हैं। जब वाई मानते हैं तो वाई हमेशा बड़े वाले को और छोटे वाले को एक्स मान लेते हैं, तो बड़ा हमारा क्या है, चार है, और छोटा हमारा क्या है, तीन है। तो इसे मान लिए वाई बराबर चार और एक्स बराबर क्या मान लें, तीन। एक्स बराबर हमने मान लिया तीन। अब एक परिमेय संख्या निकालनी है, तो एक परिमेय संख्या निकालने के लिए हमारा सूत्र हो जाता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच की एक परिमेय संख्या निकालनी हो तो दोनों को जोड़ के दो से भाग दे दीजिए, वह आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम क्या कर लें, यक्स प्लस वाई बटे दो कर दें, तो यक्स का मान हमारे पास कितना है, तीन, और वाई का मान कितना है, चार। तो तीन बटे चार और तीन प्लस चार बटे दो, यानी हमारा क्या हुआ, चार तीन सात, तो सात बटे दो। तो तीन और चार के बीच की एक परिमेय संख्या हमें क्या मिल गई, सात बटे दो। तो हम कह सकते हैं अतः तीन और चार के बीच की एक परिमेय संख्या सात बटे दो है। अब मान लीजिए हमसे कह दे कि इनके बीच की दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो एक तरीका तो यह है कि जब हमें यह मिल गया तो यह हमें कहां मिला, जैसे तीन बटे तीन और तीन के बीच में ही सात बटे दो हो गया, तो तीन सात बटे दो फिर हमारा चार आ गया। तो आप पहले इसे मान लेंगे फिर इसको, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, जो बड़ा होगा उसे वाई मानेंगे और जो छोटा होगा उसे एक्स मानेंगे। तो इसे वाई मान ले, इसे क्या मान ले, एक्स मान ले। अब तब फिर हम दूसरी परिमेय संख्या निकालनी होगी, तो इसकी सहायता से निकाल लेंगे, एक्स प्लस वाई बटे दो। तो दूसरी परिमेय संख्या हमारी क्या हो जाएगी, सात बटे दो और धन चार बटे दो। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सात बटे सात प्लस आठ, चार दुनी आठ बटे दो और बटे दो, तो ये दो हमारा यहाँ आ जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, आठ सात पंद्रह बटे चार। तब ये हो जाएगा इनके बीच की और परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या है, तीन निकालना होगा, तो इसके बीच में ये रख दीजिएगा पंद्रह बटे चार, और चार के बीच की परिमेय संख्या निकाल लीजिएगा। अब मान लीजिए इसका एक तरीका और भी है कि जब एक से अधिक परिमेय संख्या निकालनी हो, जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक से अधिक परिमेय संख्या निकालनी हो, तो उसके लिए एक हमारा सूत्र होता है, उस सूत्र की सहायता से भी हम निकाल सकते हैं। अब हम देख लें दूसरा तरीका। हमने जाना कि जब एक ही परिमेय संख्या दो परिमेय संख्याओं के बीच की एक परिमेय संख्या निकालनी हो, तो हम सूत्र लगा देते थे x प्लस वाई बटे दो, एक परिमेय संख्या हमें मिल जाती थी। अब हमसे कह दे कि जब एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तब कौन सा तरीका लगाएंगे। मान लें कि माना हमारी दो परिमेय संख्याएं x और y हैं, और इनके बीच एक से अधिक परिमेय संख्या निकालना है। अब यहाँ हम कहेंगे y बड़ा है x से, y इज ग्रेटर देन x, तब आप सूत्र लगा देंगे d बराबर y माइनस यक्स अपान यन प्लस वन, जहां यन हमारा क्या होगा, कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ रेशनल नंबर कह सकते हैं, कितनी परिमेय संख्याएं। अगर दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो यक्स का मान दो, तीन ज्ञात करनी है तो यन का मान तीन, चार ज्ञात करनी है तो यन का मान चार। अब जितनी ज्ञात करनी होंगी वही हमारा हो जाएगा। तो यन बराबर कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम कह दें नंबर ऑफ रेशनल नंबर, यह हमें क्या देखना है कि कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसे एक हम देख लें, हमें दे दिया जाए
कि वही कह दिया जाए आपसे पांच और। अब मान लीजिए पहले सूत्र क्या बनेगा आपका, एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो x प्लस डी, अगर दो ज्ञात करनी है तो x प्लस टू डी, अगर तीन निकालना है तीसरी परिमेय संख्या तो x प्लस थ्री डी, इसी प्रकार अगर चौथी परिमेय संख्या निकालनी है तो x प्लस फोर डी, अगर पांचवी निकालनी है तो x प्लस फाइव डी, ऐसे डॉट 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 जितनी भी परिमेय संख्या है आपको निकालनी है वो आपकी निकल आएगी। डी का मान हम निकाल लेंगे, यक्स आपकी छोटी संख्या होगी और बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, वाई होगी। वाई में से एक्स को घटा के और फिर एन प्लस वन करके डी का मान निकाल लेंगे, तब पहली परिमेय संख्या हमारी हो जाएगी एक्स प्लस डी, दूसरी हो जाएगी एक्स प्लस टू डी, तीसरी परिमेय संख्या एक्स प्लस थ्री डी, चौथे परिमेय संख्या एक्स प्लस फोर डी और पांचवी परिमेय संख्या हमारी हो जाएगी एक्स प्लस फाइव डी। अब एक उदाहरण के सहायता से इसको जानने का प्रयास करते हैं, एक सवाल हम ले लेते हैं उसकी सहायता से देखते हैं। हमें दे रखा है सवाल ने कि तीन बटे पांच और दो बटे तीन के बीच चार परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, अतः हम इसमें पहले देखेंगे कि y किसे माने और x किसे माने। तो जो बड़ा होगा उसे y, जो छोटा होगा उसे x, तो y यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर दो बटे तीन और x हमारा क्या हो जाएगा, तीन बटे पांच। अब बड़ा छोटा तो आप आसानी से नहीं जान सकते हैं, इसको इससे भाग दे दीजिएगा, इसको इससे भाग दे दीजिएगा, जो बड़ा मिल जाएगा वो हमारा बड़ा और जो छोटा मिल जाएगा वह छोटा, या और भी तरीके हैं, इसे आप बराबर करके ए बी अपान सी डी कर सकते हैं, देख ले जो बड़ा हो वह बड़ा, जो छोटा हो वह छोटा, और भी तरीके हैं, हर को बराबर करके देख सकते हैं, हर का लासा लेके बड़ा छोटा निकाल सकते हैं, अंश को बराबर अंश के दोनों का लासा लेके दोनों के अंश को बराबर करके देख सकते हैं। तो यह छोटी कक्षाओं में आपने जाना होगा कि जो है हम कैसे एक दूसरे में छोटे बड़े का डिवाइडेशन करते हैं, कैसे जान पाते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो यहाँ हमने कह लिया कि दो बटे तीन आपका बड़ा है और तीन बटे पाँच आपका क्या है, छोटा है। तो अब हम सूत्र लगा दें, डी बराबर कौन सा सूत्र, अभी हमने लिखा था वाई माइनस एक्स अपान एन प्लस वन। अब यहाँ पे वाई का मान हमारा कितना है, वाई का मान हमारा है दो बटे तीन और एक्स का मान कितना है, तीन बटे पाँच बटे एन का मान कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो तीन बटे पाँच और दो बटे तीन के बीच चार परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो एन हमने बताया था कि कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स, ये हमें एन बताता है। तो एन के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, चार और धन एक। तो अब इन दोनों का हम क्या करें, हल कर ले, तो ये हमारा इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, तीन पाँच का पंद्रह और तीन से पंद्रह को भाग दोगे तो भागफल हमें पाँच मिल जाएगा और पाँच को दो से गुणा कर दोगे तो पाँच दुनी दस, फिर माइनस पाँच को पंद्रह से भाग दोगे भागफल हमें कितना मिलेगा, तीन पाँच ते पंद्रह और तीन को तीन से गुणा कर लोगे तो तीन तिरिक्का नौ यानी दस बटे हमारा कितना, चार एक पाँच। तो ये हमारा कितना हुआ, दस से यह घटा तो कितना बचा, एक एक बटे पंद्रह और बटे आपका पाँच। अब ये पाँच हमारा कहाँ आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, इसके नीचे एक लिख ले तो यह क्या होगा, एक बटे पंद्रह और गुणे पलट के लिख जाता है, ऐसा हम लोगों ने कक्षा आठ में कई सवालों में देखा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पंद्रह पचे पचहत्तर यानी एक बटे पचहत्तर। तो डी का मान हमें मिल गया कितना, डी बराबर एक बटे पचहत्तर। अब हमें पहली परिमेय संख्या लिखनी है, तो पहली परिमेय संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x प्लस डी। x का मान हमने माना है कितना, तीन बटे पाँच और d का मान हमारा कितना है, एक बटे पचहत्तर। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लो, जोड़ने के बाद जो मिले वही उत्तर। तो जोड़ ले, पचहत्तर और पाँच का एलसीएम हमारा पचहत्तर ही होगा, पाँच को पचहत्तर से भाग देंगे तो पंद्रह पचे पचहत्तर और पंद्रह को तीन से गुणा कर देंगे तो पंद्रह तिया पैंतालीस और फिर पचहत्तर को पचहत्तर से भाग देंगे तो पचहत्तर एकम पचहत्तर और पचहत्तर को एक से गुणा कर देंगे, ओ सॉरी, एक को एक से गुणा कर देंगे तो एक हो जाएगा। अब पैंतालीस एक छियालीस, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारा क्या हो जाएगा, छियालीस बटे पचहत्तर। तो हमें क्या मिल गई, पहली परिमेय संख्या इनके दोनों के बीच की मिल गई, छियालीस बटे पचहत्तर। अब इसी प्रकार दूसरी परिमेय संख्या हम कहते थे कि x प्लस टू डी लिख देते हैं,
तो एक्स का मान 3/5 और धन 2 × d, डी का मान 1/75। अब इसको जब लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/5 और धन 2/75। इन दोनों का 75 और 5 का एलसीएम हमने देखा कितना हमारा हो जाता है, 75 ही हो जाएगा। और 5 को 75 से जब भाग देंगे तो हम कहते हैं 15 × 5 = 75, यही तो 15 आ जाएगा। और 15 को 3 से गुणा करा देंगे तो 15 × 3 = 45, और 75 को 75 से भाग देंगे तो भागफल हमें 1 मिलेगा, और 1 को 2 से गुणा करा देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 45 × 2 = 47, तो 47/75। तो हमें दूसरी परिमेय संख्या क्या मिल गई, 47/75। तो अब तीसरी परिमेय संख्या अगर निकालनी है तो हम क्या कर लेंगे, x+3d। x का मान हमारे पास कितना है, 3/5 और धन 3 × d का मान 1/75, तो यह हमारा कितना हो जाएगा, 3/5 और ये हमारा कितना, 3/75। तो जब इसे हल करेंगे तो 5 और 75 का एलसीएम हमारा 75 ही हो जाएगा, और फिर इसको इससे भाग देंगे तो भागफल 15 आएगा, 15 को 3 से गुणा करा लेंगे 45, और 75 को 75 से भाग देंगे भागफल 1 आएगा, 1 को 3 से गुणा करा लेंगे तो 3, यानी 45 और 3 = 48, 48/75। और चौथी परिमेय संख्या निकालनी है तो चौथी परिमेय संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x+4d। x+4d यानी x का मान हमें दे रखा है कितना, 3/5 और d का मान 4/75, सीधे लिख दे 4d, यानी 1/75 से 4 का गुणा हो जाएगा तो 4/75। अब वही एलसीएम आएगा 75, अब फिर यहाँ पे 3/5 है, 5 को 75 से भाग दोगे भागफल 15 मिलेगा, 15 को 3 से गुणा कराओगे तो 15 × 3 = 45, 75 को 75 से भाग दोगे सेम वही तरीका तो भागफल हमें 1 मिलेगा, 1 को 4 से गुणा कराओगे तो 4 हो जाएगा, और 75 × 4 आपका कितना हो जाएगा, 49, तो 49/75। इसे आप चाहें तो आसान भी कर सकते हैं, ये देखो दोनों 3 से कटने वाले हैं, 8 × 4 = 12, 12 भी 3 से कट जा रहा है, 7 × 5 = 12, 12 भी 3 से, यानी दोनों 3 से कट जाएंगे, तो आप काट के और आसान भी कर सकते हैं। तो अगर आप और भी आसान तरीके से इसे लिखना चाहेंगे तो हमारा कुछ आ जाएगा इस प्रकार, 3 × 3 = 3 और 6 × 3 = 18, और इसे जब काटोगे तो 3 × 3 = 3 और यहाँ 3 × 6 = 6 और 15 हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15, यानी 25 × 3 = 75 और 16 × 3 = 48, तो ये हमारा हो जाएगा 16/25। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं, या 48/75 लिखेंगे तब भी आपका बिल्कुल सही है। तो हमें चार परिमेय संख्याएं, पहली कौन सी मिली, 46/75, दूसरी कौन सी मिली, 47/75, और तीसरी परिमेय संख्या कौन सी मिली, 48/75, या 48/75 का सरलतम रूप कितना है, 16/25। अब इसी सरलतम रूप को हम मानक रूप भी कहते हैं, आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा कि मानक रूप, अगर किसी परिमेय संख्या को मानक रूप में लिखना है तो अंश और हर का मासा जब एक आ जाए तो उस परिमेय संख्या का वह मानक रूप कहलाता है। तो 16 और 25 का हम मासा लेंगे, तो अगर देख लें 16 और 25 का मासा निकाले तो गुणनखंड विधि का प्रयोग कर ले, गुणनखंड विधि से जब मासा निकाले तो इसे लिख सकते हो 4 × 4 × 1, ये तो हमारा हो जाएगा 16 का, या 2 × 2 × 2 × 2 × 1, और जब 25 का करेंगे तो 25 का हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 1। तो देखो यहाँ पे ना तो 2 मिलने वाला है ना 5 मिलने वाला है, यानी कामन कहाँ मिलेगा, 1 ही मिलेगा, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 1। तो हमने कहा कि मानक रूप आपका तभी कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म तभी कहलाएगा रेशनल नंबर का, जब इन दोनों का एचसीएफ क्या मिले, 1 मिले, अंश और हर दोनों का एचसीएफ 1 मिले, तभी वह किसका, रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो ये रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये इसी का क्या लिखा है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तुल्य परिमेय संख्या इसको बोलते हैं। अगर आपकी दोनों परिमेय संख्याएं ऐसी लिखी हो तो यह इसकी क्या कहलाएगी, तुल्य परिमेय संख्या। पिछले ही वीडियो में हमने जाना था तुल्य परिमेय संख्या क्या होता है, और फिर चौथा हमें क्या मिल गया, 49/75।
अब हम जाने अपरिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो हम कहते हैं कि किन्हीं अपरिमेय संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम जाने अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने बताया कि वह संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में न लिखा जा पी बटे क्यू के रूप में न लिखा जा सके और क्यू बराबर जीरो ना हो, वह हमारी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि वह संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, और यहाँ भी वही कंडीशन है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, यह नहीं कि क्यू बराबर जीरो कर दे तो कह दे सर इसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो यह हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। नहीं, वही कंडीशन है कि पी बटे क्यू के रूप में ना लिखी जा सके लेकिन क्यू बराबर यहाँ जीरो ना हो, हमारी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो जैसे एक अपरिमेय संख्या हम देखें, हम कहते हैं कि अंडर रूट दो हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। अब कैसे हम सिद्ध करें कि अंडर रूट दो अपरिमेय संख्या है, तो ये भी हम देख लें कि कैसे हम कहते हैं कि अंडर रूट दो हमारी अपरिमेय संख्या है। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो हम कहते हैं आगे पढ़ेंगे विरोधाभास विधि द्वारा सिद्ध किया जाता है कि हम मान लेते हैं कि माना अंडर रूट दो हमारी परिमेय संख्या है तो यह पी बटे क्यू के बराबर होगी, दोनों का वर्ग करेंगे लास्ट में दिखा दिया जाएगा कि यह हमारे कंडीशन को फॉलो नहीं करता आता, यह हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और एक तरीका होता है जिसे एग्जैक्ट तरीका बोलते हैं, उसकी सहायता से भी आप दिखा सकते हैं कि अंडर रूट दो कैसे अपरिमेय संख्या है। तो एक भाग विधि की सहायता से हम पहले सीख लें या जान लें कि अपरिमेय संख्या अंडर रूट दो है कैसे। तो पहले हम यह जाने कि अंडर रूट दो अपरिमेय संख्या कैसे है। कक्षा 8 में हम लोगों ने वर्गमूल निकालना सीखा था, तो यह क्या लिखा है कि 2 का वर्गमूल निकालिए। अब 2 का वर्गमूल निकाल लें और अगर हमें पूर्णांक संख्या मिल जाती है या कहीं पे भी इसका शेषफल हमें 0 मिल जा रहा है तो यह हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। और अगर शेषफल खत्म ही नहीं होता है तो वह हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। तो हम देखते हैं, अब हम वर्गमूल निकालने की विधि जानते हैं, 2 विधियां हैं, एक तो गुणनखंड विधि और दूसरी हमारी क्या है, भाग विधि। तो जहां पे गुणनखंड विधि का अप्लाई नहीं कर पाते हैं वहां पे हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे गुणनखंड विधि की सहायता से अंडर रूट दो का वर्गमूल निकालना असंभव है, तो हम भाग विधि की सहायता से इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, 1 से इसको भाग दे दें, तो 1 को 1 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 एकन्नम 1, और जिस संख्या से भाग देते हैं वही यहाँ क्या करते थे, जोड़ लेते थे, तो 1 1 2, इससे ये घट जाएगा तो कितना मिलेगा, 2 से 1 घटेगा तो 1, यहाँ दशमलव लगाएंगे। अब हम कहते हैं कुछ भी इसमें जो कुछ भी होता है वह क्या होता है, जोड़े के रूप में, मान लीजिए यहाँ 0 लिख लिए तो ये भी तो जोड़ा बन गया, इसमें वर्गमूल में जो भी काम होता है वह जोड़े के रूप में होता है। तो जैसे ही हमने दशमलव लगाया यहाँ पे 2 0 बढ़ गया, 2 0 बढ़ने के बाद अब हम किसी ऐसी संख्या से गुणा कराएं कि यह 100 से ज्यादा ना हो, तो 4 से गुणा करा दें, 4 से अगर हम गुणा कराते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 के 0 और 16 के 6 हासिल आया आपका 1, और 4 दुनी 8, और 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, तो ये हमारा हुआ 96, 96 से 100 से 96 घटेगा तो आपका कितना, 4 बचेगा, और फिर यहाँ क्या 4 बार लेके गए हैं तो 4 जोड़ लेंगे तो ये हमारा कितना हो गया, 24 4 28। अब फिर दशमलव लगा ही है तो यहाँ जो भी काम होगा हम कहे कि जोड़े के रूप में होगा तो 2 0 और बढ़ा लिए। अब किस संख्या से इसमें गुणा कराया जाए कि वह हमारा किससे 400 से ज्यादा ना हो, तो 1 ही बार लेके जाएंगे, अगर 2 बार लेके जाते हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा, 282 दुना 400 से ज्यादा हो जाएगा। तो 1 बार लेके जाते हैं तो 1 बार जब लेके गए तो ये हमारा क्या, 1 एकन्नम 1, और 1 8 8, और 1 दुना 2, यानी 281 एकन्नम 281 प्लस 1 यहाँ जोड़ लिए तो ये हमारा कितना हो गया, 282, और ये हमारा क्या घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 1 घटेगा 9, और यहाँ कितना बचा, यहाँ से कैरी लिए थे यहाँ हुआ था आपका 10, और 10 फिर यहाँ लेके गए तो यहाँ यह 10 हो गया, ये 9 बचा, 9 से 8 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 1, और यहाँ 3, 3 से 2 घटेगा तो हमारा कितना बचेगा 1।
अब फिर हम क्या कहते हैं, जो भी काम होगा दशमलव लगा है, दो जीरो बढ़ेगा तो दो जीरो बढ़ा लिए। अब कितनी बार जाएगा, चार बार लेके जाते हैं, फिर चार चौक सोलह, सोलह के छह यहां से लाया आपका एक, चार दुनी आठ, आठ एक नौ, फिर आठ चौक बत्तीस और बत्तीस के दो, फिर चार दुनी आठ और आठ तीन ग्यारह। तो फिर हम घटा ले, दस से आपका छह घटेगा कितना बचेगा चार, और यहां नौ से नौ घटेगा जीरो, यहां कितना बचा भाई, यहां से कैरी लिए तो यहां आठ ही बचा, आठ से दो घटा हमारा छह, और यहां कितना एक से एक जीरो, एक से एक जीरो, यानी ये खत्म काम इसका। तो ये कितना चार, फिर जोड़ ले तो चार चार आठ, दो आठ दो। अब यह कभी भी आपका कटने वाला नहीं, मिल डॉट 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 मिलता चला जाएगा। तो अंडर रूट दो का जो वर्गमूल आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1.414। ऐसे कितने भी अंक तक आप निकालते चले जाएं वह संतुष्ट नहीं होगा, मीन्स आपको कोई ना कोई शेष मिलता रहेगा। तो जब शेषफल बार बार मिलता चला जाए तो वह हमारा क्या कहलाता है, वह अपरिमेय संख्या है। अब इसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, जैसे हमने कहा था कि हम पीछे से ही दशमलव का काउंट करके जीरो बढ़ाते हैं। अब यहां यही नहीं पता है कि यह संख्या पीछे कितने बार तक डिफ्रेंशिएट में गई है, तो जब हमें यही नहीं पता है कितने बार भिन्न में गई है तो हम कैसे बढ़ा लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए यह इतने लिखा होता 1.414, तो तुरंत हम क्या करते, यहां से हटाते और कितने, एक दो तीन, तीन अंक बाद जीरो है, तो ये पी बटे क्यू के रूप में लिख जाता। लेकिन अब हमें ये नहीं पता है कि डाट 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 है, यानी पीछे से ही तो काउंट करते थे, एक दो तीन जोड़े थे, अब यही नहीं पता है कितने बार है, तो हमें यही, जब यह नहीं पता है तो हम इसमें नीचे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अब यहाँ क्यू बराबर जीरो भी नहीं है, अगर क्यू बराबर जीरो कर दोगे तो यह हमारा अनंत हो जाएगा। यानी हमने कहा कि वह परिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में न व्यक्त किया जा सके वह हमारा क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है, वहां q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने एक अपरिमेय संख्या ले लिया अंडर रूट दो, तो अंडर रूट दो हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे, हमने इसके वर्ग को निकाल के सीखा कि यह कैसे अपरिमेय संख्या है। अब चूंकि इसका वर्ग 1.414 अभी शेष बच रहा है, तो दो तीन बार बोर्ड भर दोगे चार एक चार के बाद, दशमलव के पचास स्थान तक निकाल लोगे, लेकिन यह खत्म होने वाला नहीं, बार बार आपको रिमाइंडर मिलता रहेगा। तो जब तक रिमाइंडर मिलता रहेगा तब तक आप इसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो बार बार रिमाइंडर मिल रहा है, मीन्स हम इसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब और भी परिमेय संख्या, जैसे हम कह लें अंडर रूट तीन, तो अंडर रूट तीन भी हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई कह लें तो पाई भी हमारी अपरिमेय संख्या। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि सर पाई अपरिमेय कैसे है, जब पाई का मान 22/6 होता है, ओ सॉरी 22/7। मेंसुरेशन में जब हम पढ़ते हैं तो पाई का मान, क्षेत्रमिति में जब हम लोग पढ़ते हैं तो पाई का मान 22/7 ले लेते हैं। तो लोग कहते हैं कि इसमें तो विरोधाभास है, पाई का मान 22/7 यानी पी बटे क्यू के रूप में लिख दिया गया, तो आप कैसे कह दिए कि पाई हमारी अपरिमेय संख्या। तो यह एग्जैक्ट मान नहीं है, अपने सुविधा के लिए यह लगभग मान है, सवालों को हल करने के लिए अपनी सुविधा के लिए पाई का मान 22/7 ले लिया जाता है, जबकि एग्जैक्ट मान इसका नहीं निकाल पाए हैं, वह हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसका एग्जैक्ट मान पता ही नहीं है। अब लोग बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है कि पाई आपकी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो लोग कह देते हैं कि पाई हमारी क्या है, बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, चूंकि पाई का मान 22/7 होता है तो वह कह देते हैं यह परिमेय संख्या है, लेकिन पाई हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्षेत्रमिति में सवालों को हल करने के लिए या अपनी सुविधा के लिए पाई का मान 22/7 बताया गया है।